हेलो गाइस, मेरा नाम सतीन है और आज इस वीडियो में देखेंगे कि अडोबी ड्रा के बेसिक टूल्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में अडोबी ड्रा को सर्च करना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो सबसे पहले ये अडोबी ड्रा, अडोबी इलस्ट्रेटर ड्रा को ओपन करने के बाद आपको एक कैनवस को चूज़ करना है। तो ये है एडिंग का ऑप्शन, यहाँ से आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन में कैनवस मिलेंगे, लेकिन आपको डिजिटल इलस्ट्रेशन में जाना है। वहाँ से ये सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन कैनवस है, 3600x3600 पिक्सल्स। तो चलिए देखते हैं इसको ऐड करके। उसके मैं इसमें कोई इमेज को चूज़ करके नहीं बनाने वाला, वैसे आप यहाँ से ऐड का ऑप्शन है तो यहाँ से आप इमेज कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि बेसिक टूल्स काम कैसे करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ब्रश है, ये सिंपल ब्रश है, ठीक है। और ये इसका सेकंड ब्रश है, ये सबसे मेन चीज़ है, अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो ये थर्ड ब्रश है, इसकी ओपेसिटी कम ही रहती है। तो ये है फोर्थ एंड ये है फिफ्थ, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये वाला। और अभी मेरा जो कैनवस है, मेरा जो फ़ोन की रोटेशन है वो लैंडस्केप में है, लैंडस्केप मतलब इस टाइप में। लेकिन ये अडोबी ड्रा लैंडस्केप को फुली सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे एक टूल होता है जिससे हम वेलोसिटी को इनेबल या डिसेबल करते हैं। और एक और यहाँ से कलर को, कलर पर टैप करके हम कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों टूल्स लैंडस्केप मोड में काम नहीं कर रहे, तो इसके लिए मुझे इसको पोर्ट्रेट मोड में करना पड़ेगा इन टूल्स को यूज़ करने के लिए। सो गाइस, अब देख सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट मोड में अब ऐप आ चुकी है और हमारे पास ये वाला टूल भी आ गया। तो यहाँ से ये वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को अगर आप डिसेबल कर देंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं लाइन कैसे आएगी। ये इसमें जो वेलोसिटी अब काम कैसे करती है, जब आप वेलोसिटी में सबसे पहले वेलोसिटी को चूज़ कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं सॉरी, तो जब आप स्लोली लाइन को ड्रा करेंगे तो ये थिक ड्रा होगी, और जब इसको फास्ट ड्रा करोगे तो ये थिन हो जाएगी, ठीक है। ये है इसका काम। और इसको फिर से देख लेते हैं एक और चीज़ को, यहाँ से है हमारे पास टेपर, ये भी बहुत अच्छा टूल है और ये वेलोसिटी को इनेबल करके अच्छा चलता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको वेलोसिटी को इनेबल करना पड़ेगा, और टेपर को अगर कम करेंगे तो ये कुछ ऐसे कम करेगा। तो ये हो गए हमारे टूल्स, यहाँ से आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लैंडस्केप मोड में कलर ऐड नहीं हो रहे थे। तो मैं फिर से हैं कि लैंडस्केप मोड में अब क्या क्या हम कैसे कोई वेक्टर को बना सकते हैं। तो ये शेप्स हैं और यहाँ से ये है लेयर्स, इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे सेटिंग का टूल है जिसमें ग्रिड्स है, इस ग्रिड को ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कुछ बना कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ ये ब्रशेस मैं यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं ये ब्रश ले लूँगा फिर से यहाँ पर भी। तो इसमें जो इसमें से ड्रा करके देखेंगे, वेलोसिटी इनेबल ही है इसमें भी, लेकिन मैं साइज़ को इसका कम कर लूँगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि बहुत हेल्प करता है, जो कि रोटेट कैनवस का, यहाँ से आप अपने कैनवस को रोटेट कर सकते हो किसी भी जगह। और
ग्रिड को मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, अगर आप देखिए आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये दो डॉट्स हैं, अगर हम इस टाइप को स्वाइप करेंगे, इन दो डॉट्स को इस टाइप में, तो ये अंडू हो जाएगा। अगर हम इधर को करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। सबसे पहले अंडू करते हैं, इस टाइप में स्वाइप करके रीडू, ठीक है। ये दो, इसके लिए आपको टू फिंगर्स लगाने पड़ेंगे, तो ये ऐसे ब्रशेस काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इसमें कुछ ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो ड्रा करने के लिए कोई भी लोगो को मैं इस पेन का यूज़ करता हूँ, इस ब्रश का, और यहाँ से शेप्स से आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ये साइज ओके, तो ये हमारे पास लेयर आ गई। इस लेयर को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बना सकते हैं, और फिर से डुप्लीकेट करके इसी से आइज़ बना देंगे। ये गाइस वर्टिकल का टूल है, जिससे कि आपकी इमेज, आपकी जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया वो वर्टिकल हो जाएगी। आपकी लेयर को आप किसी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके जो यहाँ से भी और यहाँ से भी ये दोनों सेम है, यहाँ से और यहाँ से सेम है, इसलिए हॉरिजॉन्टल नहीं हो पा रहा। हॉरिजॉन्टल इसको करके देखते हैं आप। ट्रांसफॉर्म देखा आपने, गाइस कलरिंग करने के लिए मैं कैसे करता हूँ, मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट मैंने इसलिए की है, अगर मैं डुप्लीकेट नहीं करता और मैं कोई कलर चूज़ करता और उसको फिल कर देता, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस कलर को फिल कर रहा हूँ, सॉरी गाइस ये फिल नहीं हो पा रहा बिकॉज मैंने इसको मर्ज तो किया ही नहीं। अभी इसको डिलीट करूँगा, जो मैं मर्ज कर लूँगा, ये फिल क्यों नहीं हो पा रहा। अब आप देखोगे कि फिल क्यों नहीं हो पा रहा, मैं इस लेयर में फिल करने की कोशिश कर रहा था, तो फिल यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री है ही नहीं जिसमें फिल होना था। तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज सभी एक ही लेयर में मर्ज हो गए हैं। मर्ज करने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट ले लूँगा। डुप्लीकेट इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं इसको
फिल करूँगा और अब देख सकते हैं कि जब मैंने फिल कर दिया है, अब मुझे इस डार्क ब्राउन से थोड़ा 3D, 3 डायमेंशनल इफेक्ट इसको देना है। 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्या होता है? 3 डायमेंशन क्या होता है? सबसे पहले 3 डायमेंशन समझ लेते हैं। समझ लीजिए, ये ट्री है, आप ट्री देख रहे हैं और ट्री के पीछे एक दीवार है। आपको ट्री और दीवार में डिस्टेंस का पता लगेगा, लेकिन आपकी फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो 2 डायमेंशनल है। तो लेकिन ट्री और दीवार का आपने पिक्चर कैप्चर की हुई है, तो ट्री और दीवार एक ही जगह पे दिखेंगे, लेकिन जब VR लगाएंगे तो इन दोनों में आपको डिस्टेंस नज़र आएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप VR लगाएंगे तो आपको कोई डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस VR में देखने के लिए हमें शेडिंग का होना ज़रूरी है। शेडिंग से ही डिस्टेंस का पता चलता है और उसी को हम 3D इफेक्ट कहते हैं वेक्टर में। तो अभी इसमें 3D इफेक्ट लगाते हैं। सो गाइस, हमारे पास ये इमेज है और इसको थोड़ा सा हमें 3 डायमेंशनल लुक देना है, यानी कि जो इफेक्ट्स हमें 3 डायमेंशनल में दिख पाए। अभी आप समझेंगे कि एग्जांपल के साथ कैसे। ये पर मेरे पास येलो कलर है जो कि मैंने बीच में फिल किया, इसको थोड़ा सा डार्क करके ये मैंने 2 लेयर्स ली थी। वो इसलिए ली थी बिकॉज फिर से एक लेयर ले लूँगा, इस लेयर को डुप्लीकेट इसलिए किया था क्योंकि जब हम नीचे वाली लेयर में कोई चीज़ को फिल करेंगे तो ऊपर वाली लेयर उसको कवर कर लेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फिल करता तो ये ब्लैक कलर की लाइंस भी फिल हो जाती, ये इसको भी कवर कर लेता, इसलिए मैंने ये डुप्लीकेट ले लिया था। डुप्लीकेट ले लिया है, इसको अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। अभी ब्राउन कलर को भी डार्क करके लेना है, क्योंकि हमें इसको भी फिल करना है। इसको फिल करने के लिए यार शेप्स का यूज़ करेंगे। हम तो यहाँ शेप का यूज़ करेंगे, या हम एक और काम कर सकते हैं जो कि इजी है। इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, इसको डिसेबल करके पहले ब्लैक कलर लेते हैं और यहाँ पे लगा दिया, लेकिन मैंने इस लेयर से टच नहीं होने दिया इस कलर को। तो अब मैं इसको इरेज कर दूँगा, लेकिन ये इरेज नहीं हुआ क्योंकि मैंने ब्लैक कलर को टच नहीं किया था। तो
ये है हमारे पास वो लेयर, इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। इस ये हमें कैसे काम में आएगी, इसको तो पहले ब्राउन कलर में कर लेंगे। और देखिए मैंने इसको मिटा दिया क्योंकि अभी हमें ये काम में आएगी। कैसे काम में आएगी, इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। ये हमारा वेक्टर रेडी हो चुका है, अभी हम इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं कॉपी टू गैलरी। अगर आपको ट्रांसपेरेंट में करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, जिसमें कि बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, या आप बैकग्राउंड बैक वाइट बैकग्राउंड के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई और बैकग्राउंड का कलर भी लगा सकते हैं, जैसे कि ड्राल लेयर में जाकर इस लेयर को सबसे नीचे कर देना। सबसे नीचे एंड यहाँ से कोई और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो थी Adobe Rocket Tools के बारे में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो।